उधर हमने बोला। अब मेरा निवेदन रहेगा कि उधर राम जी से कि जो कर्नल साहब के साथ में जो अप्रिय घटना की है सामाजिक तत्वों ने, वीर जी जाकर घटना चल रही है साथियों, ऐसी घटनाएं अनेकों है और हमें ये विश्वास करना चाहिए कि क्या हालात हो गए। साथियों ऐसे कई बिना नंबर की जो गाड़ियां हैं, काले कास की, जो यहाँ जो गरीबों का यहाँ जो रहना आना की छोराए के पास में जो है, और दो रानी रूपाले स्थान में इस दुखद घटना में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोटा मोटा राष्ट्रीय नेता वो कहते हैं आपको छोटा बिलो देश का नेता वो ना छोटा कहते हैं। सरकार है, बैठे हैं तो अपना आप ही कर लेंगे, आदेश कर लेंगे। मैं मांग करता हूँ कि जब स्वामी महेश्वरानंद को जेड प्लस मिल सकती है और एक दर्जन नेताओं को बड़ी सुरक्षा मिल सकती है, ये तो सरकार का हाथ की बात है। इतने लाइन के अंदर बैठे रहते हैं पुलिस वाले जिनको कभी न कभी काम करने का मिलता होगा मेरे हिसाब से, तो आप इनको कर्नल साहब को जेड सिक्योरिटी दे। जी सबके साथ आके ज्ञापन दिया था और हम FIR दर्ज कराने आए थे। क्या वार्तालाप कर्नल के गार्ड के खिलाफ और कर्नल साहब के खिलाफ? वार्तालाप में क्या हुआ मैडम जी, क्या बताया वार्तालाप ने? वो पूरी कार्रवाई कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जो भी होएगा जिनको इंसाफ मिलेगा, और हमें उन्होंने रसीद दे दी है FIR की और उनको न्याय मिलेगा जल्दी से जल्दी बच्चों को। अगर क्या पुलिस ने क्या बताया मामला दर्ज करने को लेकर? क्या बताया मामला दर्ज कर, उन्होंने भी अपना FIR दर्ज कराया है लेकिन उनको उसमें कुछ वो मिला नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जांच कराई बच्चों के साथ कोई हथियार था नहीं उन बच्चों के पास, तो इसलिए बच्चे निर्दोष है, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई गोली नहीं चली थी। क्या मांग रही थी और आगे क्या कर रहे हैं? कर्नल सोनाराम जी पे जो हमला हुआ है ये राजस्थान के किसानों को आहत करने वाला हमला है। इन पे दो बार पहले भी हमले हो चुके हैं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमलावर जो भी है उनके खिलाफ 307 की धाराओं के अंदर मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया, अटेम्प्ट टू मर्डर, और 120B के अंदर जो भी जिनके इशारे पर हमला हुआ उच्च स्तरीय इसकी जाँच होनी चाहिए। कर्नल साहब को जेड सुरक्षा मिले। जब यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कई साधु संतों को जेड दे दी, कई अपने मन चाहे जो CM होम बैठे थे उनको ही जेड दे दी, तो कर्नल सोनाराम किसानों के नेता है इनको जेड सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। अगर सरकार ने इनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो मुख्यमंत्री की जो दौरे चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि किसान के बेटे उनका हेलीकॉप्टर कई जगह पर उतरने से रोकेंगे राजस्थान। सर ज्ञापन को लेकर किस प्रकार ये एक आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश रची जा रही है, आप क्या मान रहे हैं? मुझे तो साजिश की बुआ रही इसके अंदर। सर यहाँ पर किस प्रकार का निर्णय लिया गया अभी जो ये तो यहाँ आज का तो निर्णय यही है, क्योंकि निर्णय कर्नल साहब को लेना है। मैं तो सहयोग करने के लिए आया हूँ और कल से मैंने तो घोषणा कर दी कि भाई 3 दिन तक हर कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया जाएगा इस मामले के अंदर को टारगेट करके, और जातीय व्यवस्था संतुलन भी राजस्थान में बना रहे। हम चाहते हैं कि जातीय समरसता राजस्थान में बनी रहे, लेकिन इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं, इसको लेकर अब जो ये निर्णय यहाँ पे लेंगे ज्ञापन देने का, तो कर्नल साहब क्या करेंगे?